बड़ी खबर आ रही है बिहार से। 2025 यानी कि अगले साल यहां विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले बिहार सरकार ने बड़ा दांव चला है। नीतीश कुमार ने 2,11,000 नौकरियों का ऐलान किया है। बड़ी बात यह है कि सरकार ने दावा किया है कि अगले 3 महीने में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। सरकार ने बताया कि 1,000,000 नौकरी देने का हमने वादा किया था। 5,16,000 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। 2,34,000 और नौकरी देने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने रोजगार का वादा अपना मुद्दा बनाया था। उन्होंने ये प्रचार किया था कि जब वो डिप्टी सीएम थे यानी सरकार में थे तो खूब नौकरियां बांटी थी। तेजस्वी की छवि भी नौकरी देने वाले नेता के तौर पर बनने लगी थी। ऐसे में नीतीश कुमार पर इस बात का दबाव था कि कैसे वो युवाओं को नौकरी देकर बेरोजगारी के मुद्दे पर चोट करें, अपनी छवि बनाए और 2025 के चुनाव में वोट हासिल करें। सूत्रों की माने तो बिहार के 45 विभागों में ये नियुक्तियां होंगी। आंकड़ों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में करीब 65,000 पद खाली है, जबकि शिक्षा विभाग में 2,00,000 से अधिक पद रिक्त है। इसके बाद गृह, राजस्व, भूमि सुधार विभाग, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, खाद्य उपभोग एवं उपभोक्ता संरक्षण, लघु जल संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, श्रम संसाधन विभाग और समाज कल्याण समेत कई विभागों में पद खाली है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक है। हालांकि नीतीश कुमार की सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि नौकरी बहाली के दौरान पेपर लीक जैसी घटना ना हो, क्योंकि यूपी लोकसभा चुनाव में भाजपा की जिस तरीके से सीटें घटी है इसके पीछे पेपर लीक का मुद्दा भी बताया जा रहा है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।